त्वचा रोग, अत्यधिक पसीना और कई आंतरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बादाम खाने के क्या फायदे होते हैं और आपके होने वाले बच्चे को इससे कौन कौन से फायदे मिलते हैं। एक दिन में गर्भवती महिला को कितने बादाम का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, बादाम बहुत से विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है। बादाम के पोषक तत्व और उसके फायदों के बारे में जान लेने से पहले ये जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान एक दिन में कितने बादाम महिला को खाने चाहिए। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को एक मुट्ठी से ज्यादा बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए। एक मुट्ठी यानी कि 7 से लेकर 8 बादाम का सेवन गर्भवती महिला को जरूर करना चाहिए, लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए आपको इन्हें भिगोकर खाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बादाम के भूरे रंग के छिलके में टैनिन होता है जो पोषक तत्वों के अवशोषण को रोकता है। बादाम को पानी में भिगोने से इसका छिलका आसानी से उतर जाता है और भीगा हुआ बादाम पाचन में भी मदद करता है। तो गर्भवती महिला को रात को भीगे बादाम का सेवन सुबह उठकर जरूर करना चाहिए। सूखे बादाम इस दौरान नहीं खाने चाहिए, इससे आपकी बॉडी गर्म हो सकती है और आपको कब्ज, त्वचा रोग, अत्यधिक पसीना और कई आंतरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बादाम में विटामिन ई, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम और साथ ही जस्ता, सेलेनियम, तांबा और नियासिन शामिल होता है। बादाम में अन्य ड्राई फ्रूट्स के मुकाबले ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। इसके फायदों की अगर बात करें तो फॉलिक एसिड की कमी को बादाम दूर करता है। बादाम में फॉलिक एसिड होता है जो नवजात शिशुओं में जन्म दोष की घटनाओं को कम करने में मदद करता है। ये स्वस्थ कोशिका वृद्धि और उत्तक गठन को उत्तेजित करता है। बादाम खाने से गर्भ में शिशु को आयरन की भरपूर मात्रा मिलती है और साथ ही बादाम खाने से गर्भ में शिशु को एलर्जी नहीं होती है। बादाम दिमाग तेज करने और सौंदर्य को बढ़ाने में भी काफी मदद करता है। तो इस दौरान अगर महिला बादाम का सेवन करती है तो गर्भ में शिशु के मस्तिष्क का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। बादाम मेटाबॉलिक सिस्टम को बढ़ाने में भी मदद करता है। जिन महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज और मोटापे जैसी समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है, उन महिलाओं को बादाम का सेवन शुरू कर देना चाहिए क्योंकि बादाम मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है। बादाम में मौजूद कार्बोहाइड्रेट और डाइट्री फैट तनाव, सूजन और रक्त में शुगर की मात्रा को कम करने में मदद करते हैं, जो आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद होता है। इससे हृदय और मस्तिष्क विकार, मधुमेह, कब्ज, श्वसन विकार, खांसी और एनीमिया से भी राहत मिलती है। इसके अलावा यदि आप बादाम का सेवन करते हैं तो यह पाचन और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का भी काम करता है और साथ ही ये आपके बाल, त्वचा और दांतों की देखभाल करने में भी मदद करता है। तो आप गर्भावस्था के दौरान बादाम का सेवन जरूर करें। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।